हेलो गाइस, गुड इवनिंग, ईद मुबारक आपको। ईद उल अदहा पता है आपको, इसको ईद उल अदहा कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल एम्बुलेटरी की बात कर रहे थे, एम्बुलेटरी पेशेंट जो इतना ठीक हो गया है कि बिस्तर से बाहर निकल के चल फिर सकता है ना, एम्बुलेटरी पेशेंट। ठीक है, आगे प्रैम्बुलेटर या प्रैम, और जो बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी होती है डाल के, जिसमें बच्चों को घुमाते हैं, दैट इज़ प्रैम शॉर्ट में, या प्रैम्बुलेटर। ठीक है, टू प्रैम्बुलेट मतलब टू वॉक थ्रू, है ना, टू स्ट्रॉल अराउंड, घूमना किसी, जैसे आप जाते हैं कहाँ जाते हैं, म्यूजियम वगैरह जाते हैं, तो वहाँ प्रैम्बुलेट करते हैं, राइट। ठीक है, कैन यू राइट द नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ब, आपने लिख दिया था प्रैम्बुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो एम्बल मतलब क्या होता है, जो जो ये सारे वर्ड्स में है, एम्बुलेटरी पेशेंट बात कर रहे थे, तो एम्बल वर्ड है सब में, एम्बल को समझिए। एम्बल मतलब होता है टू वॉक एमलेसली, मतलब मज़े के लिए धीरे धीरे जो घूमते इधर से उधर टहलते हैं उसे को कहते हैं एम्बल। ऑलराइट, आई वॉज जस्ट एम्बलिंग इन माई कॉरिडोर, ओके, आई वॉज जस्ट एम्बलिंग इन माई बैल्कनी, ऐसे करके कुछ भी। ठीक है, तो टू एम्बल मीन्स टू वॉक एमलेसली। गुड इवनिंग राज, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो एन एम्बुलेंस इज सो कॉल्ड बिकॉज, एम्बुलेंस को एम्बुलेंस क्यों बोलते हैं वो समझिएगा। एम्बुलेंस इज सो कॉल्ड बिकॉज ओरिजिनली इट वॉज कम्पोज ऑफ टू स्ट्रेचर बेरर्स, कि शुरू शुरू में जो एम्बुलेंस था वो होता था, दो लोग होते थे स्ट्रेचर बेरर्स, जो स्ट्रेचर को उठा के लेके चलते थे, हु वॉक्ड ऑफ द बैटल फील्ड, जो लड़ाई झगड़े के जो ग्राउंड होता था, बैटल फील्ड जो होता था, जहाँ युद्ध हो रहा होता था, वहाँ से वुंडेड सोल्जर यानी कि घायल जो सोल्जर होते थे उनको दो लोग स्ट्रेचर पर डाल करके लेके जाते थे, तो वहीं से वर्ड आया है एम्बुलेंस। ठीक है, क्योंकि एम्बल मतलब आपने सीखा ना, चलना, एम्बल मतलब चलना, ठीक है, वॉक करना, तो एम्बुलेंस वहीं से बना है। एंड प्रीएम्बल, अब जरा वर्ड देखिएगा प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल का क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए, समथिंग दैट वॉक्स बिफोर, प्री मतलब बिफोर और एम्बल मतलब टू वॉक, तो समथिंग दैट वॉक्स बिफोर, प्रीएम्बल मतलब एन इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो प्रीएम्बल जो होता है वो किसी बड़े चीज़ के पहले आता है, उसके इंट्रोडक्शन के तौर पे, जैसे हमारा संविधान है, तो संविधान में हमारा एक प्रीएम्बल है जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, राइट। तो प्रीएम्बल जो है वो इंट्रोडक्टरी होता है, वो इंट्रोडक्शन होता है, किसी चीज़ के पहले आता है। द प्रीएम्बल टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशन को ध्यान देख दीजिएगा, टू, ठीक है, द प्रीएम्बल टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल टू द यू एस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द प्रीएम्बल ऑफ द यू एस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बात करिएगा। ठीक है, वी द पीपल, ऐसे करके हमारे भी प्रीएम्बल में लिखा है। ठीक है, प्रीएम्बल टू द स्पीच और एनी इवेंट दैट इज इंट्रोडक्टरी और प्रेलिमिनरी टू अनादर, प्रेलिमिनरी तो समझते हैं आप, बार बार टेस्ट देते हैं एसएससी वगैरह में, एक होता है प्रेलिमिनरी और दूसरा होता है मेंस, तो मेंस है जिसका ज़्यादा महत्व है, तो जो ज़्यादा महत्व रखता है मेन चीज़ है उसके पहले आने वाले को प्रिलिमिनरी कहते हैं या प्रीएम्बल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एंड पढ़िए पहले इन सारी चीज़ों को, इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, एक इंट्रोडक्शन है या इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है प्रीएम्बल। ठीक है, और प्रीएम्बल कोई भी चीज़ हो सकता है जो किसी दूसरे चीज़ के पहले आती हो, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के पहले आती हो। ठीक है, जैसे देखिए, एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स इन द इकोनमी इज ऑफन ए प्रीएम्बल टू अ ड्रॉप इन द स्टॉक मार्केट। यहाँ दो चीज़ें हैं, गौर से देखिए, इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स इन द इकोनमी, मतलब जो इकोनमी में इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स होते हैं, यानी इन्फ्लेशन वर्ड जानते हैं ना, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, तो इन्फ्लेशनरी उसी से एडजेक्टिव बना, इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो इन्फ्लेशन लाएंगे, राइट, इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स। तो एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स इन द इकॉनमी इज ऑफन अ प्रीएम्बल टू अ ड्रॉप इन द स्टॉक मार्केट,
स्टॉक मार्केट में जो ड्रॉप आता है, सूचकांक नीचे चला जाता है, इंडिकेटर्स नीचे चले जाते हैं, ठीक है, उसके पहले क्या हो रहा होता है, एक इंक्रीज आता है किस चीज में, इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स में, ठीक है, इकोनॉमी के, और वो प्रीएम्बल है, मतलब अगर वो हुआ है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं किस चीज की, ड्रॉप इन द स्टॉक मार्केट की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रीएम्बल का इस तरह से यूज है कि कोई चीज के होने पहले होने वाली, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ड्रॉप होगा लेकिन उसके पहले क्या होता है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स। तो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब आप पहले समझ लें, ऐसे ये कोई स्टेटमेंट होता है, प्रीएम्बल टू अ स्पीच और प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल टू द स्पीच यानी कॉन्स्टिट्यूशन, या स्पीच के पहले कहा जाने वाला या लिखा जाने वाला हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, दैट इज द प्रीएम्बल। ओके, पहले वो, दूसरा किसी घटना के पहले होने वाली दूसरी घटना प्रीएम्बल हो सकती है ना उसकी। चलिए आगे देखते हैं। गुड इवनिंग अतुल। बैक टू स्लीप, वापस स्लीप पे, यानी वापस स्लीप वाले वर्ड पे चलते हैं। सोमनस इज वन लैटिन वर्ड फॉर स्लीप, सो पॉर इज अनदर। सोमनस एक वर्ड है लैटिन वर्ड सोने, एक स्लीप के लिए, दूसरा वर्ड है सोपॉर, सोपॉर भी है एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब स्लीप ही होता है, नींद ही होता है। ए सोपॉरिफिक लेक्चर, सोपॉरिफिक, ओके, ए सोपॉरिफिक लेक्चर, लेक्चर सोपॉरिफिक लेक्चर, स्पीकर, स्टाइल ऑफ डिलीवरी, ETC विल पुट द ऑडियंस टू स्लीप। तो आपने पढ़ा था जो सोमनिफरस, ठीक है, नींद लाने वाली, उसी का एक सिनोनिम पढ़ लीजिए सोपॉरिफिक। अब यहाँ पढ़िएगा, अ सोपॉरिफिक लेक्चर और स्पीकर और स्टाइल ऑफ डिलीवरी विल पुट द ऑडियंस टू स्लीप, ठीक है। यहाँ विल का यूज़ किया गया है, क्या ये फ्यूचर में डाल देगा नींद में, नहीं। आप लोग जो पढ़ते हैं विल का मतलब फ्यूचर टेंस के लिए होता है, वो सही है, लेकिन उसके आगे एक और भी बात जानिए, विल का यूज़ कई बार उन चीज़ों के लिए बोला यूज किया जाता है जो टिपिकल होते हैं, टिपिकल होते हैं। तो ए सोपॉरिफिक लेक्चर, स्पीकर और स्टाइल ऑफ डिलीवरी पुट्स द ऑडियंस टू स्लीप टिपिकली, इसीलिए कहा विल पुट द ऑडियंस टू स्लीप। ऑलराइट, ये टिपिकली ऐसा होगा कि सोपॉरिफिक लेक्चर जो होता है या स्पीकर होता है या स्टाइल ऑफ डिलीवरी जो होती है वो ऑडियंस को नींद, ऑडियंस को नींद में डाल देती है, यानी कि सुला देती है, यानी बोरिंग होती है, ठीक है। यहाँ सोपॉरिफिक में FIC देखिएगा, वो जो फेसियो से आता है जिसका मतलब होता है टू मेक स्लीप, किसी को सुला देना, ठीक है। एंड अ सोपॉरिफिक इज अ स्लीपिंग पिल। अब मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है, ए सोपॉरिफिक लेक्चर, स्पीकर, स्टाइल ऑफ डिलीवरी, ETC विल पुट द ऑडियंस टू स्लीप, और फिर एक और सेंटेंस लिखा है, एंड अ सोपॉरिफिक इज अ स्लीपिंग पिल। तो दोनों सोपॉरिफिक में आप क्या फर्क देखते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सही लिखा है कोमल कुमारी आपने, बिल्कुल, बताएं आप। यहां पर जो शुरू में लिखा है ना, असोपॉरिफिक लेक्चर, ये सोपॉरिफिक एक एडजेक्टिव है, लेक्चर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहां जो दूसरा पर लिखा है, असोपॉरिफिक इज अ स्लीपिंग पिल, यहां सोपॉरिफिक एक नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि ए सोपॉरिफिक जो है एडजेक्टिव और नाउन दोनों होता है, सोपॉरिफिक लेक्चर वहां एडजेक्टिव, ए सोपॉरिफिक इज अ स्लीपिंग पिल, तो ये नाउन के तौर पर भी यूज होता है, यही है फर्क। यहां पर लिखा है ए सोपॉरिफिक, सेकेंड इज नाउन, बिल्कुल सही। और दूसरा, पहला बार में जो सोपॉरिफिक लेक्चर लिखा है वो एक एडजेक्टिव है। चलिए, इस सेशन में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नाउन सफिक्सेस के बारे में बात की, तो एक थोड़ा सा डेडिकेटेड सेक्शन है, उसको पढ़ लीजिए, नाउन सफिक्सेस। यू नो दैट एनी ESS नेस कैन बी एडेड टू एनी एडजेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट द नाउन फॉर्म। ESS कभी भी आप किसी एडजेक्टिव में लगा के नाउन फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। जब आपको 100% यकीन नहीं हो कि आप जान रहे नाउन फॉर्म क्या है उसका, तो आप ESS लगा करके एक नाउन फॉर्म बना लें और बात करके आगे निकल जाएं, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अलग बात है कि कई बार अलग अलग दूसरे नाउन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब आप कन्फ्यूज फील करें, आपको नहीं समझ में आए कि क्या होना चाहिए इसका नाउन फॉर्म, ऐसे स्थिति में एक स्ट्रिक कि आप नेस लगा के चले जाएँ, ठीक है। राइट द नाउन डिराइव फ्रॉम इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का नाउन क्या होगा? इनआर्टिकुलेट, तो आप आराम से लिख देंगे इनआर्टिकुलेशन, राइट। तो इनआर्टिकुलेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेगेटिव प्रीफिक्स इन एंड लैटिन आर्टिकुलस, अ जॉइंट। तो आर्टिकुलस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जॉइंट, ठीक है। तो द इनआर्टिकुलेट पर्सन हैज ट्रबल जॉइनिंग वर्ड्स टुगेदर कोहेरेंटली।
तो जो इनआर्टिकुलेट होते हैं वो शब्दों को एक दूसरे के साथ सही से जोड़ नहीं पाते, कोहेरेंटली जोड़ नहीं पाते, यानी आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए वो वर्ड्स को एक साथ जोड़ नहीं पाते जो इनआर्टिकुलेट लोग होते हैं. इफ यू आर क्वाइट आर्टिकुलेट ऑन द अदर हैंड यू ज्वाइन योर वर्ड्स टुगेदर ईजिली, और जब आप आर्टिकुलेट होते हैं तो अपने शब्दों को आसानी से आप जोड़ देते हैं. यू आर वर्बल, यू आर वोकल, पॉसिबली इवन वॉल्यूबल, वॉल्यूबल भी मतलब कि आप बहुत अच्छे से अपनी बात कह पाते हैं आर्टिकुलेट, और जो ना कह पाए इनआर्टिकुलेट. ज़्यादा इमोशंस हो जाने पे हम सब इनआर्टिकुलेट हो जाते हैं, ये एक नेचुरल टेंडेंसी इंसान की. ठीक है, हम लोग इनआर्टिकुलेट हो जाते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन आते हैं, वो चोक अप कर देता है हम लोगों को. ठीक है, आवाज़ गले में रह जाती है, दिमाग में आइडियाज़ रह जाते हैं, मुंह पे आता नहीं है शब्द. ठीक है, इनआर्टिकुलेट हो जाते हैं, और हम में से कुछ लोग इनआर्टिकुलेट होते ही हैं, अपनी बातें नहीं बता पाते, बस नॉर्मली नहीं बता पाते इनआर्टिकुलेट. चलिए, आर्टिकुलेट लोग अच्छे से अपनी बात बता पाते हैं. कैन वी मेक नाउन फॉर्म ऑफ स्पोरिफिक, स्पोरिफिकनेस. किसी भी एडजेक्टिव का अगर आप नाउन फॉर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एन ई डबल एस लगा सकते हैं, एन ई डबल एस, अगर आपको नहीं पता हो तो. ठीक है, और जब आपको उसका एक ऐसा क्या होता है कि कई बार किसी नाउन का, जैसे आप ट्रांसलेटनेस अगर बोलिएगा तो लोगों को अजीब तो लगेगा क्योंकि वो है नहीं, क्योंकि दूसरा एक पॉपुलर होता है. तो अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, ट्रांसलेशन मालूम है तो ठीक है, लेकिन कम से कम आप एक नाउन फॉर्म डाल तो रहे ना ट्रांसलेटनेस बोल करके. ठीक है ना, ये कहने का मतलब है. तो स्पोरिफिकनेस बोल करके आप उस क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो बोरियत होती है उस तरीके स्टाइल में, स्पोरिफिक डिज़ाइन में जो होता है ना क्वालिटी, उसकी बात करते हैं स्पोरिफिकनेस बोल करके. ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, जब कुछ भी ना दिमाग में रहे तो आप एनी डबल एस लगा के चले. ठीक है, द वर्ब टू आर्टिकुलेट इज टू ज्वाइन टू एक्सप्रेस योर वोकल साउंड्स एज इन प्लीज आर्टिकुलेट मोर क्लियरली. तो आर्टिकुलेट तो आप समझते ही हैं, कहते हैं किसी को आर्टिकुलेट वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं आर्टिकुलेट. ऐसे मैंने कहा था आर्टिकुलेट एक एडजेक्टिव भी है, आर्टिकुलेट पीपल, इनआर्टिकुलेट पीपल, और आर्टिकुलेट एक वर्ब भी है, मतलब अपनी बात को बताना, शब्दों में व्यक्त करना. प्लीज़ आर्टिकुलेट मोर क्लियरली, मतलब अपनी बात ज़्यादा सही तरीके से क्लियरली बताइए. प्लीज़ आर्टिकुलेट मोर क्लियरली. कैन यू राइट द नाउन डिराइव फ्रॉम द वर्ब आर्टिकुलेट. अब इस वर्ब आर्टिकुलेट से आपको बनाना है. अच्छा सुन, एक सेकेंड. ओके अच्छा एक सेकेंड, हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे कुछ गलत करके चल दिए थे हड़बड़ी में. ठीक है, यहाँ नाउन डिराइव करना इनआर्टिकुलेट से. इनआर्टिकुलेट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये, राइट. हम लोग इसको नाउन वर्ब नहीं समझते. जब कोई वर्ब होता है टी ई पे तो उसको टेश, वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी ना हड़बड़ी में, थोड़ा सा गौर कर लीजिए. देखिए, नाउन आप वर्ब से भी बनाते हैं, नाउन आप एडजेक्टिव से भी बनाते हैं, कन्फ्यूज़ ना करिए इस बात को. ठीक है ना, अभी हड़बड़ी में हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि नाउन किस चीज़ से बना रहे, इस पर बात पे ध्यान नहीं दिए. एनी डबल एस किस में लगाते हैं हम लोग, एडजेक्टिव में लगाते हैं, याद रखिएगा. ठीक है, तो इनआर्टिकुलेट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर अगर हमें नाउन बनाना है तो इनआर्टिकुलेटनेस बोलेंगे, इनआर्टिकुलेटनेस. ठीक है, और अभी जो हम बात कर रहे थे आर्टिकुलेट की, अगले स्लाइड पे जा करके, वो एक वर्ब था. जैसे कहते हैं टू आर्टिकुलेट योर प्रॉब्लम्स मोर क्लियरली, आर्टिकुलेट मोर क्लियरली, तो मतलब अच्छे से बताइए, वहाँ एक वर्ब है वो. तो जब वर्ब में आर्टिकुलेट है टी ए टी ई वाला, उसको नाउन बनाना है तो आसान है, शन बना देंगे. ठीक है, वर्ब आर्टिकुलेट से नाउन क्या बनाएंगे, आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेट वर्ब से क्या बनाएंगे, आर्टिकुलेशन नाउन. ठीक है, और आर्टिकुलेट एक एडजेक्टिव है, उससे कौन सा नाउन बनाएंगे ये बताइए. आर्टिकुलेट जब एक एडजेक्टिव है तो उससे कौन सा नाउन बनाएंगे, आर्टिकुलेटनेस. ठीक है, तो आर्टिकुलेटनेस भी एक नाउन बना आर्टिकुलेट एडजेक्टिव से. आर्टिकुलेट एक वर्ब भी है, उससे बनता अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आर्टिकुलेशन. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस. यस, लेट मी काम डाउन. यस, आर्टिकुलेशन ये है नाउन वर्ब से. वर्ब आर्टिकुलेट मतलब व्यक्त करना, आर्टिकुलेट मतलब व्यक्त करना. ठीक है, और जो इंसान अच्छे से व्यक्त कर पाता है अपनी बातों को वो है आर्टिकुलेट. ठीक है, आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं एक एडजेक्टिव के तौर पे कि आप आर्टिकुलेट इंसान हैं, राइट. आप इनआर्टिकुलेट इंसान हैं, ये एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए.
और एक वर्ब है आर्टिकुलेट, जिससे बनाते हैं आर्टिकुलेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर एंड वेरी कॉमन नाउन सफिक्स अटैच टू एडजेक्टिव्स इज, एज यू हैव डिस्कवर्ड, आईटीवाई। तो एक और एनी डबल एस तो है ही आपका नाउन सफिक्स, जो किसी भी एडजेक्टिव में लगा के बना लेते हैं, एक नाउन बना लेते हैं आप। एक और नाउन सफिक्स है आईटीवाई, ये भी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो जैसे सिंपल, सिंप्लिसिटी बनाते हैं ना, सिंपल से सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो द नाउन फॉर्म ऑफ बनाल इज आइदर बनालनेस, आप नेस लगा के भी नाउन बना सकते हैं, और मोर कॉमनली बनालिटी, आईटीवाई से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो आप नाउन बनाने के लिए एडजेक्टिव से दो ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत आसान से, एनी डबल एस और आईटीवाई। गौर करते चलिएगा और ये सारी चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी। तो बनाल मतलब बोरिंग, क्योंकि वो कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है उसमें, बनाल, राइट। आप पढ़े ये वर्ड को पहले, बनाल टॉकर्स, बनाल स्पीकर्स, जो ऐसी बातें बोलता है जिसमें ज़रा भी एक्साइटमेंट ना हो। तो उसकी बनालनेस, द बनालनेस ऑफ हिज स्पीच, द बनालनेस ऑफ हिज स्पीच, या बनालिटी ऑफ हिज स्पीच, आप नाउन समझ गए। ठीक है, बेयर इन माइंड, दिमाग में इस बात को बनाए रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बेयर इन माइंड देन दैट एनी डबल एस एंड आई टी आई आर कॉमन नाउन सफिक्सेस अटैच टू एडजेक्टिव्स, राइट। अब एक और सुनिएगा, आई ओ एन, जो शन शन करके आता है ना, इज अ नाउन सफिक्स फ्रिक्वेंटली अफिक्स्ड टू वर्ब्स। वर्ब्स में, जैसे ट्रांसलेट एक वर्ब था ना, इसीलिए मैंने गलत एग्जाम्पल उस समय दिया था। ट्रांसलेट एक वर्ब है, तो ट्रांसलेशन, वर्ब में जब ए टी ई के साथ वर्ब खत्म हो रहे हो, तो बहुत कॉमनली आप उसको आई ओ एन वाला नाउन बना लेते हैं। आर्टिकुलेट एक वर्ब है, आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो आगे देखते जाइए, आर्टिकुलेट वर्ब से आर्टिकुलेशन। वोकलाइज, वोकलाइज, आई जे डी वालों में भी वैसे ही करते, वोकलाइजेशन, जितने भी आई जे डी है, ठीक है ना, उसमें आप वैसे शन वाला ही नाउन बनाते हैं, वोकलाइज, वोकलाइजेशन, इंडियनाइजेशन। ठीक है, ऐसे। अब बोलिए प्रीएम्बुलेट, सॉरी परएम्बुलेट, मतलब टू वॉक थ्रू, परएम्बुलेट। तो परएम्बुलेट एक वर्ब है, तो क्या नाउन बनाएंगे, परएम्बुलेशन। तो यहाँ दो बातें हम लोगों ने ध्यान से सीखी, गौर करने वाली बातें हैं, कि ए टी ई अगर एक वर्ब के आखिर में आ रहा हो, ए टी ई, तो उसका नाउन कैसे बनाते हैं, टी आई ओ एन कर देते हैं। ठीक है ना, उस ई को हटा करके आई ओ एन लगा लेते हैं, ये आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, टी आई ओ एन बहुत कॉमन नाउन सफिक्स है, लेकिन वो किससे आता है, वर्ब से आता है। ठीक है, एनी डबल एस एक कॉमन नाउन सफिक्स है, लेकिन वो एनी एस वाला किससे आता है, वो एडजेक्टिव से बनता है एनी डबल एस, खाली ये छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब एक्सरसाइजेस की बात, जितने सारे वर्ड सीखे आपने, अब देखना है कि आपको उसमें से कितने समझ में रहे, कितने याद रहे, चलिए चेक करते हैं। अनेबल टू फॉल अस्लीप, अनेबल टू फॉल अस्लीप, नींद आ ही नहीं रही हो, एडजेक्टिव चाहिए ना हमें, अनेबल क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो एक एडजेक्टिव चाहिए, अनेबल टू फॉल अस्लीप, जिसको नींद नहीं आ रही हो, अनेबल टू फॉल अस्लीप, बताइए कौन सा वर्ड है। ए के लिए कौन सा चुनेंगे, फो, इंसोम्नियस, इंसोम्नियस, इंसोम्नियस मीन्स अनेबल टू फॉल अस्लीप, ये एक एडजेक्टिव है, ऑलराइट, इंसोम्नियस, ऑलराइट। पर्टेनिंग टू स्लीप वॉकिंग, पर्टेनिंग टू स्लीप वॉकिंग, मतलब रिलेटेड किस बात से होना चाहिए, स्लीप वॉकिंग से रिलेटेड, एक एडजेक्टिव बताइए, जैसे स्लीप वॉकिंग से रिलेटेड समस्याएं अगर बोलनी होगी तो कौन सी समस्याएं बोलेंगे, या लक्षण बोलने होंगे तो कौन से, बी के लिए कौन सा वर्ड आप चुनेंगे, सोमनैम्बुलिस्टिक टेंडेंसीज, सोमनैम्बुलिस्टिक टेंडेंसीज, है ना, स्लीप वॉकिंग टेंडेंसीज, वो टेंडेंसी, स्लीप वॉक करने वाली टेंडेंसीज, सोमनैम्बुलिस्टिक टेंडेंसीज। ठीक है, आगे ड्राउजी, ड्राउजी, ड्राउजी कौन सा वर्ड लेंगे, ड्राउजी, नींद आ रही है, सोमनलेंट, सोमनलेंट, नए वर्ड्स हैं, बार बार एक्सरसाइजेस में आएंगे, याद रखेंगे बेहतर, आपको बेहतर तरीके से याद रहेंगे, सोमनलेंट, ड्राउजी, ओके, ओके, नेक्स्ट, एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेडरिडन,
बेडरिडन रहने के बाद अब आप चलने लगे हैं, एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेडरिडन, बिस्तर पकड़े हुए थे लेकिन अब आप इतने ठीक हो गए कि चलने लगे हैं आप, बताइए डी के लिए कौन सा वर्ड आप देंगे? एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेडरिडन, वॉक है, एम्बल आएगा, ठीक है, एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी, बिल्कुल एम्बुलेटरी। वर्बल या वोकल, वर्बल या वोकल कौन सा वर्ड है इसमें जो बताता हो कि आप वर्बल हैं वोकल हैं? वर्बल और वोकल दोनों एडजेक्टिव हैं, तो यहां जो नंबर एट आप चुनोगे ई के साथ आर्टिकुलेट, ये आर्टिकुलेट एक वर्ब है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है, क्योंकि आप बता रहे कोई इंसान जो वर्बल है वोकल है वो क्या है? आर्टिकुलेट है। ऑलराइट, एफ लाइक एन अंकल, काइंडली एंड प्रोटेक्टिव, लाइक एन अंकल, अंकल की तरह, काइंडली, प्रोटेक्टिव, आसान है, बता दीजिए। नंबर टेन अवंक्युलर, लाइक एन अंकल, अवंक्युलर। नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू वन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं उसमें से किसी से रिलेटेड है, कोई ऐसा एडजेक्टिव बताइएगा। अगर मैं बताऊंगा कि एबनॉर्मेलिटीज इन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, तो कौन सी एबनॉर्मेलिटीज की बात करें? वेंट्रिक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज, ऑरिक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज, राइट? ओके, रेफरिंग टू द फ्रंट और बेली साइड, रेफरिंग टू द फ्रंट और बेली साइड, फ्रंट साइड या बेली साइड, कौन सा वर्ड बताता है फ्रंट साइड या बेली साइड? वेंट्रल, राइट, वेंट्रल मीन्स फ्रंट साइड या बेली साइड। स्लीप इंड्यूसिंग, नींद ला देने वाली, स्लीप इंड्यूसिंग, इंड्यूस करना समझते हैं ना, इंड्यूस करते हैं कोई चीज़ वो आ जाता है, उसको हुआ देते हैं, हुवाना, इंड्यूस करना, ओके, स्लीप इंड्यूसिंग, बताइए, स्लीप इंड्यूसिंग। सोमनीफरस, थ्री, वेरी गुड, ओके। नाउ रेफरिंग टू द बैक साइड, रेफरिंग टू द बैक साइड, जब वेंट्रल फ्रंट साइड है तो एक बैक साइड भी है, वो कौन सा है? डोर्सल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, अगर नींद ना आ रही हो, कौन सा वर्ड है? इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, नींद ना आने की बीमारी है, इनएबिलिटी नाउन है ना, तो आपको नाउन ढूंढना है, ऐसे सारे नाउन से इधर देखिए, तो इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, इंसोम्निया, वेरी गुड। स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने वाली बीमारी, स्लीप वॉकिंग। सोमनैम्बुलिज्म, सोमनैम्बुलिज्म, सिक्स। सी इंट्रोडक्शन या प्रिलिमिनरी और इंट्रोडक्टरी अकरेंस, ये किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन है, किसी चीज़ के पहले आएगा, प्रिलिमिनरी है, मेन नहीं है, और इंट्रोडक्टरी अकरेंस ताकि दूसरे का इंट्रोडक्शन दे सके, ऐसी चीज़ हो, क्या है वो चीज़? प्रीएम्बल, सी प्रीएम्बल, क्योंकि प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, उसको हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं, ओके। इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस मतलब समझते हैं, जैसे एक होता है तारतम्यता, मतलब एक से दो से तीन जुड़ा हो, ठीक है, एक सीक्वेंस चल रहा हो, एक होता है वो तारतम्यता नहीं है, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, ऐसे हो रहा हो, वो होता है इनकोहेरेंस, ठीक है, इनकोहेरेंस इन योर थॉट्स, ऑलराइट, इनकोहेरेंस इन योर राइटिंग, हाँ, तो इनकोहेरेंस। स्पटरिंग, इनएबिलिटी टू गेट वर्ड्स आउट, आप शब्द बाहर ला ही नहीं पाते, डी। इनआर्टिकुलेटनेस, बिल्कुल इनआर्टिकुलेटनेस, बिल्कुल। चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के चैम्बर को कौन से नाम से याद करते बुलाते हैं? चैम्बर ऑफ द हार्ट, चैम्बर ऑफ द हार्ट विल बी, देख लीजिए जल्दी से बता दीजिए मुझे, वेंट्रिकल और ओरिकल, वेल डन। स्लीपिंग पिल, किस वर्ड को स्लीपिंग पिल भी कह सकते हैं? स्लीपिंग पिल के लिए वो वर्ड यूज होता है, अभी पढ़े हम लोग, है ना, एक नाउन है वो, स्लीपिंग पिल, वो एडजेक्टिव भी है,
जो स्लीप इंड्यूसिंग है लेकिन स्लीपिंग पिल के लिए भी यूज होता है, सोपोरिफिक। सोमनीफरस और सोपोरिफिक एडजेक्टिव्स तो हैं दोनों, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम तो हैं ही, ठीक है। सोपोरिफिक, ठीक है, सोपोरिफिक 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 स्लीपिंग पिल है वो, सोपोरिफिक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम क्या सोमनीफरस को स्लीपिंग पिल बोल सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ एक एडजेक्टिव है, सोमनीफरस, बोरिंग, स्लीप इंड्यूसिंग, नींद ला देने वाली है ना। लेकिन सोपोरिफिक स्लीप इंड्यूसिंग है, साथ साथ स्लीपिंग पिल के लिए भी यूज होता है। सपोर्ट या अप्रूवल, सपोर्ट या अप्रूवल, सपोर्ट या अप्रूवल, किसी चीज को आप बैक करते हैं, कहते हैं हाँ ये सही है मेरे हिसाब से, हाँ हम इसको सही कहते हैं, ठीक है। एंडोर्स, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसको आप एंडोर्स करते हैं, एंडोर्समेंट आप देते हैं अपना, एंडोर्स वर्ब है, ठीक है, एंडोर्समेंट, सपोर्ट, अप्रूवल, आपका एंडोर्समेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। एक दो बातें तो बिल्कुल ज़बरदस्त हैं जो हम लोग हमेशा से चाहते थे, 11th 12th में इंसान अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स ले सके, है ना, वो है उसमें बड़ी बात। आगे देखते हैं, लैक ऑफ ओरिजिनैलिटी, लैक ऑफ ओरिजिनैलिटी, ओरिजिनैलिटी की कमी, लैक ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की कमी, लैक ऑफ ओरिजिनैलिटी, लैक ऑफ इमेजिनेशन, बताइए वो क्या हो सकता है यहाँ पे। बनैलिटी, लैक ऑफ ओरिजिनैलिटी, लैक ऑफ इमेजिनेशन, बनैलिटी, राइट। यू हैव नॉट रेड येट, नहीं न्यूज़पेपर में, और मैंने भी पढ़ा नहीं है पूरा ड्राफ्ट वगैरह, वो डिटेल में मुझे नहीं पता, ऊपर ऊपर से पता है, कुछ वीडियोस देखे हैं मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, और जो बातें सुन सामने से मेन पॉइंट सामने आई हैं उसमें एक बात यह है कि अब आप लोग तीन हिस्से में नहीं बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स अब नहीं होगा, अब सब मिक्स्ड रहेगा, जिसको जो पढ़ना है पढ़े, एक सब्जेक्ट ले सकता है केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, ऐसे पढ़ सकते हैं, एक इकोनॉमिक साथ में पढ़ सकते हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा ये सोचने का कि हम किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तभी तो वो सब्जेक्ट चुनेंगे। जब आपको फ्रीडम मिलता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, पहले आपके पास फ्रीडम नहीं था, आपको बंधन था कि आप साइंस लें, आर्ट्स लें और या क्या कॉमर्स लें, तो क्या होता था कि आपके पास टेंशन नहीं है, किसने कहा, मम्मी पापा ने फोर्स किया, किया, आप मम्मी पापा कैसे बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट लो, ये सब्जेक्ट लो, ऐसे नहीं होगा, वो आपको छोड़ेंगे, आपको चुनना होगा खुद से कि हम इस सब्जेक्ट में अच्छा करते रहे हैं, इस सब्जेक्ट में मुझे रुचि है। तो ऑलवेज विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। हाँ चलिए आगे देखते हैं, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस, नींद आ रही हो आपकी, ड्राउजीनेस, ड्राउजी जो होता है उसको नींद आ रही है, उस क्वालिटी को, ड्राउजीनेस को क्या कहेंगे? सोमनलेंस, सोमनलेंस, सोमनलेंट जो होता है वो नींद आ रही होती है उसको, यू नो द किड्स वर सोमनलेंट आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ द बोरिंग लेक्चर फ्रॉम द टीचर, ओके। द किड्स वर सोमनलेंट मतलब उबासी मारने लगे थे, नींद आने लगी थी उनको। द सोमनलेंस ऑन देयर फेसेस कुड ईजिली बी सीन, है ना, द सोमनलेंस ऑन देयर फेसेस, हाँ मतलब नींद वाले भरा 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 आँख होगा वो सब दिख रहा था, सोमनलेंस क्वालिटी, ड्राउजीनेस कुड बी सीन फ्रॉम देयर फेसेस, ऑन देयर फेसेस, है ना। बेबी बगी स्ट्रॉलर, वो बच्चे को लेकर के कैरेज होता है, बेबी कैरेज, स्ट्रॉलर, बताइए, बच्चे को घुमाने के लिए वो होता है, प्रैम्बुलेटर, शॉर्ट में बोलते हैं प्रैम, ठीक है, प्रैम्बुलेटर। लाउडनेस, क्लैमरनेस, क्लैमरसनेस, लाउडनेस, क्लैमरसनेस, क्लैमरस नॉइजी, क्लैमरस, क्लैमर मतलब हल्ला होता है, ठीक है, क्लैमर, ओके, क्लैमरस, चिक चिल्लाहट वाला, क्लैमरसनेस, लाउडनेस, वसीफरसनेस, थ्री, वेल डन, गुड जॉब एवरीवन। तो आगे चलते हैं और अब देखते हैं कुछ और मैच कराएंगे हम लोग। वन हु कैन नॉट फॉल अस्लीप, उस इंसान को क्या बोलते हैं जो सो नहीं पाता, वन हु कैन नॉट फॉल अस्लीप, आसान है, इंसोम्नियाक, इंसोम्नियाक। स्लीप वॉकर, जो नींद में चलता हो उसको क्या बुलाएंगे, सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट, वो इंसान जो नींद में चलता है। वॉक एमलेसली, ऐसे ही घूमना, वॉक एमलेसली। एम्बल, एम्बल मीन्स टू वॉक एमलेसली,
okay? Walk aimlessly, amble. We were walking along the river bank. We were ambling along the river bank. We were ambling along the river bank. ये picture आपको amble का feeling दे देगा. We were ambling along the river bank. Okay. Stroll through, walk around. Museum में इधर से उधर घूम रहे, इधर से उधर आ रहे, जा रहे. Stroll through, walk around. बताइए. Perambulate, क्योंकि per मतलब होता है through, ठीक है. Ambulate, perambulate, stroll through, walk around. To sign on the back, support, approve of, किसी चीज़ को सही कहना, समर्थन देना, पीछे में पलट करके उसको साइन करना, चेक वगैरह के. क्या करना कहते हैं? एंडोर्स करना. एंडोर्स. ड्राउजीनेस, फिर से है ड्राउजीनेस. ड्राउजीनेस, अभी सोमनेलेंस पढ़े थे, सोमनेलेंसी दूसरा वर्ड, सोमनेलेंसी. ओके, सोमनेलेंसी, यस, सोमनेलेंसी. नेक्स्ट, से लाउडली विद ग्रेट वियमेंस, जोर शोर से बोलना, चीखना, चिल्लाना. से लाउडली एंड विद ग्रेट वियमेंस, पूरे पैशन के साथ बोलना. वसीफरेट, गुड जॉब. कॉजिंग स्लीप, कॉजिंग स्लीप, नींद ला देना. स्लीप इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग कहाँ आया था? बाद में. कॉजिंग स्लीप, है ना. देखिए यही है सीखना दोस्तों, ठीक है. जब भाषा सामने होगी तो उसके बारे में, रूल्स के बारे में बात करने में मज़ा आता है, ठीक है. जब भाषा को देखा ही नहीं, अदृश्य है भाषा, आपके सामने इंग्लिश आती ना हो और खाली रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हो, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी आपको, ठीक है. कॉजिंग स्लीप, स्लीप इंड्यूसिंग, इसलिए बहुत बढ़िया है कि आप पढ़ते रहें, सुनते रहें इंग्लिश, ठीक है. कॉजिंग स्लीप. सोपोरिफिक, ओके. वेकफुल, अनेबल टू फॉल अस्लीप. वेकफुल, अब एफ यू डबल एफ यू एल लगा रहे तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है आप ही बता दो. वेकफुल है तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अनेबल है तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव है. वेकफुल, यूजफुल, हर्टफुल, ठीक है. सो सारे फुल क्या होते हैं? एडजेक्टिव ही होते हैं ना. ब्यूटिफुल से ही समझ शुरू करते हैं ना, ठीक है. तो इंसॉमनियस, इंसॉमनियस. आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए देखिए, नंबर 3 और नंबर 9, इंसॉमनियक, इंसॉमनियस. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बिता देते हैं समय इस पर. इंसॉमनियक, इंसॉमनियस, ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स होंगे जो इन दोनों वर्ड्स में बड़े परेशान होंगे, क्योंकि दोनों उनको एक जैसे लगते हैं. इंसॉमनियक, इंसॉमनियस, ठीक है. उनके लिए, क्योंकि उनको लैंग्वेज का सेंस ज़रा नहीं होता है, उनको बिल्कुल फील नहीं होता क्या होता है नाउन, फील नहीं होता क्या होता है एडजेक्टिव. डेफिनेशन उनको रट्टा याद है क्योंकि उन्होंने एग्जाम में लिखा था. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. ऐसे रट्टा मारे रहते हैं, लेकिन उनको फील नहीं होता क्या होता है एडजेक्टिव, ठीक है. वो बाद में किसी दिन किसी और वर्ड को एडजेक्टिव बोल देंगे, जो नाउन भी रह सकता है, वर्ब भी रह सकता है, ठीक है. तो इंसॉमनियक और इंसॉमनियस, ऐसे वर्ड्स अगर आपको कंफ्यूज ना करते हो तो आप अपने पीठ पे हल्का सा थपथपा लीजिए कि आपने अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है इंग्लिश में. अगर एक जैसे वर्ड्स आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हो, जैसे इंसॉमनियक, इंसॉमनियस, ये फर्क इसमें क्या है? सिर्फ एक चीज का, पार्ट ऑफ स्पीच का. एन इंसॉमनियस पर्सन इज इंसॉमनियक. इंसॉमनियस टेंडेंसीज आर एक्सपीरियंस्ड और डिस्प्लेड बाय एन इंसॉमनियक. An insomniac goes to hospital or to the doctor to seek solution for his insomnious tendencies. All right? तो ऐसे है, कोई confusion अगर इसमें होगा तो बड़ी समस्या का वो indicative है. अगर confusion insomniac और insomnious में तो वो indicative है bigger problems का. फिर आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं होने वाली, साल, दो साल, तीन साल लगेंगे, ठीक है. अगर आप इंसॉमनियक और इंसॉमनियस जैसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाएंगे तो, कि दोनों में क्या फर्क है, ये सोचने लगेंगे तो. पढ़ने के बाद भी नहीं पता तब तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. डज एन इंसॉमनियक ऑफन नीड अ सोपोरिफिक? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. डज एन इंसॉमनियक ऑफन नीड अ सोपोरिफिक? बताइए, यस और नो.
एन इंसोमनियक ऑफन नीड्स अ सुपारिफिक? आपका जवाब होगा यस. टू, डज ए सोमनैम्बुलिस्ट ऑलवेज स्टे इन बेड व्हेन अस्लीप? डज अ सोमनैम्बुलिस्ट ऑलवेज स्टे इन बेड व्हेन अस्लीप? इस बार आपका जवाब होगा ना. जो सोमनैम्बुलिस्ट होता है उसको कोई आवाज लगा रहा होता है ना, नींद में उसको कोई गाना सुनाई दे रहा होता है, आ जा तुझको पुकारे मेरा प्यार, और वो नींद में ही उठ के निकल लेता है. सोमनैम्बुलिस्ट, सॉरी, बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. आर एम्बुलेटरी पेशेंट्स बेड रिडन? आर एम्बुलेटरी पेशेंट्स बेड रिडन? एम्बुलेटरी पेशेंट्स बेड रिडन होते हैं? नहीं नहीं, वो बेड रिडन से बाहर आ गए हैं, इतना ठीक हो गए हैं कि अब वो घूम फिर सकते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट्स. ठीक है, चलिए आगे. डज अ प्रीएम्बल कम आफ्टर अनदर इवेंट? एक प्रीएम्बल जो होता है, ठीक है, प्रीएम्बल मेन इवेंट के बाद आता है. कम आफ्टर अनदर इवेंट? बिल्कुल नहीं, वो पहले आता है. ठीक है, इसलिए उसको प्रीएम्बल बोलते हैं. चलिए. आर आर्टिकुलेट पीपल वर्बल? जो लोग आर्टिकुलेट होते हैं वो वर्बल होते हैं, बिल्कुल होंगे, अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे, शब्दों का अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे, और यहाँ इंग्लिश का लेना देना नहीं है बिल्कुल. ठीक है, शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे. ठीक है, अपनी भाषा में, लोग अपनी भाषा में आर्टिकुलेट और वर्बल होते हैं. दूसरी भाषा सीखते समय अगर वो नहीं बता पा रहे तो इससे उनको टैग नहीं लगाया सकता कि वो आर्टिकुलेट नहीं है या वर्बल नहीं है. ठीक है. डज बनैलिटी शो क्रिएटिवनेस? बनैलिटी क्रिएटिवनेस शो करता है क्या? बनैलिटी, डज बनैलिटी शो क्रिएटिवनेस? डज बनैलिटी शो क्रिएटिवनेस, बताइए. नाउ ओके नेक्स्ट. डज एन अवंक्युलर एटीट्यूड इंडिकेट अफेक्शन एंड प्रोटेक्टिवनेस? अवंक्युलर एटीट्यूड इंडिकेट अफेक्शन एंड प्रोटेक्टिवनेस? बिल्कुल, अफेक्शन भी इंडिकेट करता है, प्रोटेक्टिवनेस भी दिखाता है, बिल्कुल. इज वसीफरेशन हैबिचुअल विद क्वाइट शाई पीपल? वसीफरेशन, वसीफरेट वर्ब है ना, वसीफरेट, तो जब वर्ब होता है ए टी से तो कॉमनली टी आई ओ एन वाला आप नाउन बनाते हैं. वसीफरेशन हैबिचुअल विद क्वाइट एंड शाई पीपल? जो क्वाइट और शाई पीपल होते हैं उनके साथ वसीफरेशन कॉमन होता है क्या, उनकी आदत होती है वसीफरेशन? बिल्कुल नहीं, वो वसीफरेट नहीं करते क्योंकि क्वाइट और शाई है वो. इज अ सॉम्नोलेंट पर्सन वाइड अवेक? वाइड अवेक, याद रखिए अवेक एडजेक्टिव है, वाइड भी एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर यूज होता है वाइड अवेक. कई बार ध्यान रखिएगा इन बातों को. ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव. जैसे आप कहते हैं एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल या वेरी ब्यूटिफुल, एब्सोल्यूटली यू नो स्टूपिड, ठीक है, ऐसे. तो पॉइंट ये है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव आप साथ में देखते हैं, लेकिन ऐसे कई फ्रेजेस इंग्लिश में हैं जहाँ एडवर्ब के जगह एडजेक्टिव आता है. जैसे अभी देखिए, वाइड अवेक, वाइडली अवेक नहीं, वाइड अवेक, पूरी तरह से जागा हुआ, 100% जागा हुआ, वाइड अवेक. एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको. स्कॉर्चिंग हॉट, इट इज़ अ स्कॉर्चिंग हॉट. स्कॉर्चिंगली हॉट नहीं बोलिएगा, ठीक है, स्कॉर्चिंग हॉट. ठीक है, वैसे एक और आ रहा दिमाग में, सोकिंग वेट, ज़बरदस्त तरीके से भींगा हुआ, बारिश में पूरी तरह से वो भींग गया था, ऐसा बोलना चाहते हैं हम लोग. ठीक है, ही वॉज या शी वॉज सोकिंग वेट इन द रेन. तो सोकिंग वेट, सोकिंगली वेट मत बोलिएगा, वेट एडजेक्टिव है. तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हैं तो हैं लैंग्वेज की idiosyncrasies, हाँ, मतलब अजीबपन होता है हर एक लैंग्वेज में ना, peculiarness. ठीक है, इज अ somnolent पर्सन वाइड अवेक? नो, उसको नींद आ रही होती है. इज अ somniferous स्पीकर स्टिमुलेटिंग एंड एक्साइटिंग? जो somniferous स्पीकर होता है वो स्टिमुलेटिंग और एक्साइटिंग होता है क्या? somniferous स्पीकर स्टिमुलेटिंग और एक्साइटिंग होता है क्या? नहीं, सोमनीफरस है, नींद लाने वाला है, तो स्टिमुलेटिंग नहीं होगा, एक्साइटिंग नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मुझे लगता है कि छोड़ देते हैं. ठीक है,
ज़्यादा हो जाएगा, कल मंडे को करेंगे। करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं एक ही दिन में ख़त्म, लेकिन उससे क्या फ़ायदा। अच्छे अच्छे खासे एक्सरसाइज आज हो गए और बाकी कर लेंगे मंडे को। दो दिन में ये भी तो रहेगा कि कुछ दिमाग में रहा नहीं रहा, फिर इन्हीं सारे वर्ड्स के बारे में है, ठीक है। तो दो दिन बाद जब फिर से एक डोज मिलेगा तो उसके दिमाग में रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक्टिविटी में जो आज हम समय बिताएंगे, मंडे को बिताएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो चलिए मंडे को मिलते हैं रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। इन्जॉय योर टाइम, बाय बाय।